नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की 8वीं क्लास है। ठीक है, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन जो कर रहे हैं तो वह दोस्तों उत्तराखंड विंटर ईयरबुक 2024 से कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्लासेस दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी 7 क्लासों को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलेगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों, ए हेल्प कार्यक्रम यह है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा है। तो ये रहा है दोस्तों टिहरी गढ़वाल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टिहरी गढ़वाल दोस्तों अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार 13 जनपदों में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। तो यह है दोस्तों चंपावत। फ्रेंड्स, चंपावत उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद बना है, जिसके सभी राजस्व गांवों को अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा किस जनपद में है। तो यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद के 3 गांव नागथात विरोड़ मूंगा थात अड़दड़ा तथा असाड़ थात गांवों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों टिहरी गढ़वाल के गांवों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल के 3 गांव हैं नागथात मूंगा थात और असाड़ थात। ठीक है, जिन्हें दोस्तों पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा। तो ये रहा है दोस्तों उधम सिंह नगर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जनपद पहले स्थान पर रहा। तो दोस्तों उधम सिंह नगर लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता, ठीक है, देने वाला जनपद है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, तो इस पुस्तक के लिए शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है दोस्तों हीरा दासपा ने। ठीक है, हीरा दासपा, इन्होंने दोस्तों पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भाला फेंक इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल जानेंगे दोस्तों, मुनस्यारी के हीरा दासपा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। डीडी हाट के अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य और भाला फेंक में रजत पदक अपने नाम किया है। यह दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन द्वारा हर 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता जीवित दाता आदि प्रतिभाग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स
जो शुरू किए गए तो यह है 1978 में शुरू किए गए थे इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये डिटेल आप याद रखिएगा जो कि हर 2 सालों बाद आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का संबंध किस मंत्रालय से था? तो दोस्तों, दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, इनका संबंध समाज कल्याण, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण, इन तीनों मंत्रालय से था, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सीमांत गांव के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया है, यह है कौन सा गांव है? तो यह है दोस्तों माणा गांव। माणा गांव, जिसे दोस्तों पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब इसे भारत का पहला गांव कहा जाता है, और यहां पर दोस्तों पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है न्याय दिलाने के मामले में, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तिलापिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये एक्वा पार्क दोस्तों सितारगंज में स्थापित किया जा रहा है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तिलापिया मछली को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, और यह दोस्तों सितारगंज उधम सिंह नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों कर्नल भदौरिया, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो नीम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि आपका उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसके वर्तमान में प्रधानाचार्य हैं कर्नल भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है चमोली जनपद में। ठीक है, तो चमोली जनपद में हाल ही में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा, और ये आदेश दिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया? तो ये गया है दोस्तों टिहरी गढ़वाल के फ्लोटिंग हट्स को। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो फ्रेंड्स ये रहा है उत्तराखंड, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान है उत्तराखंड राज्य का पूरे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा है? तो ये है दोस्तों चंपावत, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि संपर्क फाउंडेशन की ओर से दोस्तों 11 अप्रैल 2023 से चंपावत से स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? तो ये क्या है दोस्तों देहरादून से, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 13 से 16 मई 2023 के मध्य देहरादून में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका शुभारंभ क्या था? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस मंदिर को
राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय धरोहर ये घोषित किया गया दोस्तों तुंगनाथ मंदिर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमालय प्रहरी सम्मान से किसे नवाजा गया। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ में देखिए दोस्तों आपकी क्लास कैसी लगी, आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों, में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जितनी भी क्लासें हमारी हुई हैं उन सभी को जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम में सीधी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।